सेंचुरियन के सुपर स्पोर्ट्स पार्क में खेले गए 6 मैचों की वनडे सीरीज के आखिरी मैच को टीम इंडिया ने साउथ अफ्रीका को 8 विकेट से हराकर सीरीज 5-1 से जीत ली। जहां एक ओर ये सीरीज टीम इंडिया की साउथ अफ्रीका में पहली जीत है, तो वहीं ये टीम इंडिया के लिए ये जीत अपने घर से बाहर जीती हुई किसी भी सीरीज से बड़ी जीत है। आपको बता दें, मैच में टॉस जीत टीम इंडिया ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, तो भारतीय गेंदबाजों ने कप्तान द्वारा लिए फैसले को सही साबित करते हुए अफ्रीकी टीम को बड़ा स्कोर करने से रोका और महज 204 पर पूरी टीम को निपटा दिया। बता दें, अफ्रीकी टीम की ओर से सबसे ज्यादा जोंडो ने 54 रनों की पारी खेली। भारतीय गेंदबाजों में सबसे ज्यादा सफल साबित हुए युवा तेज गेंदबाज शरदुल ठाकुर, जिन्होंने 4 अफ्रीकी बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखाया। तो वहीं बुमराह और चहल के खाते में 2-2 विकेट आए। पांड्या और कुलदीप यादव ने 1-1 अफ्रीकी बल्लेबाजों को चलता किया। 205 रनों के मामूली स्कोर का पीछा करने उतरी टीम इंडिया ने लक्ष्य को महज 32.1 ओवर में हासिल कर लिया। मैच में एक बार फिर भारतीय कप्तान ने शानदार पारी खेली। उन्होंने 19 चौके और 2 छक्के की मदद से 129 रनों की शानदार पारी खेली। वनडे सीरीज के बाद अब टीम इंडिया की नजरें 3 मैचों की T20 सीरीज को जीतने पर है। बता दें, पहला T20 मैच जोहान्सबर्ग में रविवार को खेला जाएगा।